भाई क्या नाम है आपका? माय नेम इज राहुल चौहान। राहुल चौहान, आपका? मेरा नाम निखिल गुर्जर। क्या? निखिल गुर्जर। निखिल गुर्जर, ओके। मेरा नाम विजय गुर्जर है। मेरा मेडिकल वाला चैनल है। सो मतलब आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना? हाँ। आप भी? मैं भी नहीं। ओके। और मतलब ड्रॉपर हो? हाँ, ड्रॉपर, फर्स्ट फर्स्ट ड्रॉप है आपका? हाँ, मेरा नीट के साथ भी, मतलब अभी ट्वेल्थ के साथ भी एग्ज़ाम दी थी नीट की? नहीं नहीं दी आपने? हाँ, मैंने दी। क्या स्कोर आया था? मेरा 86 मार्क्स आया था। ओके। और अभी टेस्ट भी चल रहे होंगे ना? हाँ। लास्ट टेस्ट में क्या स्कोर आया था? फर्स्ट हुआ। उसमें क्या आया था स्कोर? उसमें आया था मेरा 150। हिंदी मीडियम है क्या? हाँ। अच्छा, आपकी मीडियम हिंदी है? हाँ, हिंदी मीडियम। अच्छा, चलो। तो आपका क्या स्कोर आया था? मेरा 166, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 166 आया था ना आपका? ओके। और बेच में हाईएस्ट स्कोर क्या आ रहा है, मतलब आपके पूरी क्लास में हाईएस्ट स्कोर क्या आ रहा है टेस्ट में? 450 के आसपास आ रहा है। ओके। और मतलब पढ़ाई वगैरह किसी के आकाश में? अच्छी है। ओके। और हिंदी मीडियम से है ना? तो फैकल्टी मतलब बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? बढ़िया पढ़ा है, डाउट वगैरह सब क्लियर करवा देंगे। अच्छा, टाइम टू टाइम देने लगे। ओके। और मतलब हाईएस्ट स्कोर क्या आया था अभी आकाश से? 486। हाईएस्ट नीट में? नीट में तो शायद 50 के समथिंग। अच्छा। और मतलब बायो वगैरह कैसे पढ़ रहे हो आप? बायो वगैरह तो अभी एनसीईआरटी का सर ने बोला है। अच्छा अच्छा। जैसे अब कितना टाइम हो गया आपके बैच को? मेरी बैच हो गया जून से स्टार्ट हुई थी। जून से? ओके। लगभग जून जुलाई चल रहा, मतलब अगस्त चल रहा है, सिर्फ 2 महीने हो गए आपको लगभग। तो क्या लग रहा है आपको, आपने कोचिंग ज्वाइन करके क्या सही किया, या फिर मतलब आप घर से भी ऑनलाइन भी कर सकते थे? सही किया कोचिंग ज्वाइन करके, क्योंकि हमारा पहले बेसिक क्लियर नहीं था। हाँ, तो बेसिक अभी क्लियर करना पड़ेगा। ओके। और मतलब ऑनलाइन, जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन घर से तैयारी करते हैं, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है, तो क्या तुम्हें लगता है ऑनलाइन सही रहता है या ऑफलाइन सही रहता है? ऑनलाइन में क्या रहता है कि टाइमिंग का थोड़ा देखना पड़ता है, जैसे हम घर पे अगर गूगल पे कर रहे हैं तो टाइमिंग का थोड़ा देखना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, और डिस्टर्बेंस भी होती है थोड़ी बहुत। ओके। और जैसे कोचिंग की बात करें तो यहाँ पर जैसे हिंदी का आपका बैच और इंग्लिश मीडियम के भी रहते, तो ऐसा तो नहीं है कि फैकल्टी सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हिंदी वालों पर नहीं देते हैं? नहीं नहीं, सब। अच्छा, मतलब प्रॉपर हिंदी वालों को भी टाइम मिलता है, प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया जाता है? हाँ। ओके। और कुछ बताना चाहोगे आकाश कोचिंग के बारे में? आकाश की कोचिंग के बारे में तो ज़्यादा तो नहीं पता, क्योंकि मेरी फर्स्ट ईयर अभी। हाँ हाँ, पर भैया से सुना है कि अच्छे पढ़ाते हैं, और मैंने अभी देखा कि जो 2 महीनों में मैंने रियलाइज किया। हाँ। क्या अच्छा, लास्ट अभी जो नीट के टाइम ना बहुत लोगों की कंप्लेंट आई थी आकाश के स्टूडेंट की। हाँ। कि यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्ट में सिलेबस स्लो चलाते हैं और एंड टाइम पे बहुत स्पीड देते हैं, तो समझ में ही नहीं आता। तो ये तुम्हारे साथ हो रहा है क्या, अभी स्लो चल रहा है क्या सिलेबस? अभी तो हमको स्लो चल रहा है अभी तो सिलेबस, अब आगे देखते क्या होता है। मतलब सरोन बोल रहे कि तुम्हारा अभी बढ़ेगा, मतलब स्पीड थोड़ी तेज होगी, अभी से कर देंगे, अभी से स्लो चल रहा है, लेकिन तो देखा जाए। ओके। हाँ, मतलब उसमें आपको ही प्रॉब्लम है आगे जाके अगर नहीं होती है तो। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। आपका क्या नाम है? मेरा सूरज तोमर। सूरज तोमर, आप भी हिंदी मीडियम से हो? हाँ, हिंदी। आपका क्या स्कोर आ रहा टेस्ट में अभी? टेस्ट में अभी ये 3.5। नीट दी थी इस बार? नीट नहीं दी। नहीं दी। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।